भारत एक कृषि प्रधान देश है प्राचीन काल से आज तक भारत की सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर रही है भारत के अर्थशास्त्र में दो क्षेत्र कार्यरत थे संगठित व असंगठित संगठित क्षेत्रवासी शहरों में बस गए लेकिन असंगठित क्षेत्रवासी गांवों में बस गए भारत हजारों साल की गुलामी में भी अगर जिंदा खड़ा रहा तो उसका मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र का अत्यंत सुदृढ़ होना ही था स्वतंत्रता के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी पर काम हुआ लेकिन असंगठित क्षेत्र को हमेशा बढ़ावा दिया गया यही कारण है कि दुनिया में आई घोर आर्थिक मंदी के बावजूद हमारी जीडीपी 8 आठ के ऊपर रही लेकिन मौजूदा भारतीय अर्थशास्त्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टैंड आने से असंगठित क्षेत्र को मरने दिया जा रहा है छोटे लघु उद्योग धंधे समाप्त होने दिए गए नतीजतन घोर बेरोजगारी व नौकरियों की समस्या सामने आ खड़ी हुई है आज का पूंजीवाद भारत की कृषि पर निगाह गड़ाए हुए है अगर ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए वो समस्याएं खड़ी कर देगा जैसा आज तक कभी संभव नहीं हो पाया भारत इन सभी समस्याओं से सफलता तभी पार पाएगा जब हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि बरकरार रहेगा ये भारत को जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा कारण था और आगे भी रहेगा अगर हम प्राचीन काल में भारत की अर्थव्यवस्था को गौर से समझे तो हमें असंगठित क्षेत्र का महत्व समझ में आएगा मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन और इससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित थी इस दौरान व्यापार भी किया जाता था भूमि पर राजा का अधिकार होता था इस प्रकार की भूमि को सीता कहा जाता था इस भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए दास अथवा कर्मकारों को नियुक्त किया जाता था कई क्षेत्रों में राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया था जिसे सेतुबंध कहा गया इन क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी उन क्षेत्रों से राज्य उत्पादन का एक छह हिस्सा कर के रूप में प्राप्त करता था इसके अतिरिक्त इस काल में धातु उद्योग चमड़ा उद्योग शराब उद्योग जहाज़ रानी उद्योग औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे मौर्य काल में रेशम का आयात चीन से किया जाता था काशी बंग पुंडू कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध बंद का मलमल विश्व प्रसिद्ध था प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी असंगठित क्षेत्र आत्मनिर्भर था उस पर कोई कर नहीं था यही कारण था कि उस काल में भारत की जीडीपी 25 से 33 से अधिक रहती थी देश को संगठित रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि कृषि व असंगठित क्षेत्र को जिंदा रखा जाए